बिहार विधानसभा चुनाव अभियान को अभी से धार देने में जुटी जेडीयू को उसके सहयोगी दल बीजेपी ने ही नसीहत दे दी है। उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने जेडीयू का नाम लिए बगैर हमला करते हुए ट्वीट किया है कि राज्य में विधानसभा के चुनाव होने में जब एक साल से ज्यादा वक्त बचा है, तब एनडीए के लिए यह चुनावी मोड में आने का नहीं, कार्यकाल की शेष अवधि में विकास के ज्यादा से ज्यादा काम करने का समय है। हमारे यहाँ नेतृत्व को लेकर ना कोई संशय है ना कोई अंतर्कलह। सुशील मोदी का ट्वीट ऐसे समय में आया है जब बिहार में जेडीयू दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं और इन पोस्टरों को लेकर बिहार में खूब चर्चा हो रही है। अति पिछड़ों को लुभाने के लिए आरजेडी ने बड़ा दाव खेला है। पार्टी ने ऐलान किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अति पिछड़ों को वाजिब हक दिया जाएगा। मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरजेडी अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की बैठक में अति पिछड़ों को गोलबंद होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि संगठन में पंचायत से लेकर प्रदेश स्तर तक अति पिछड़ों को 60% भागीदारी दी जाएगी। नया बिहार बनाना है तो सभी अति पिछड़ों को एकजुट होकर आरजेडी के झंडे के नीचे काम करना होगा। पटना वासियों के लिए खुशखबरी है, अब वो साल 2024 से पहले ही मेट्रो की सवारी कर सकेंगे। राज्य सरकार रिकॉर्ड समय में पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का निर्माण कराना चाहती है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को अब इस प्रोजेक्ट के प्रमुख हिस्से को 3 साल में पूरा करना होगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद प्रधान कैबिनेट सचिव संजय कुमार ने कहा कि 3 साल में मेट्रो के प्रमुख स्टेशनों पर यात्री सेवाएं शुरू हो जाएंगी। हालांकि पूरा प्रोजेक्ट उन्होंने 2024 तक ही पूरा होने की बात कही। वहीं बताया गया कि सबसे पहले मेट्रो राजेंद्र नगर से न्यू ISBT के बीच 7 किलोमीटर के एलिवेटेड रूट पर दौड़ेगी। कैबिनेट ने DMRC को 782.87 करोड़ रुपए फीस पर मेट्रो के दोनों कॉरिडोर के निर्माण संबंधी प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस मीटिंग में 15 एजेंडों पर मुहर लगी। इनमें किडनी ट्रांसप्लांट के मरीजों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया, अब उन्हें इसके लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इसके अलावा पटना मेट्रो समेत अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। नागरिकों को अब महज 10 दिनों के अंदर ही ड्राइविंग लाइसेंस और अधिकतम 30 दिनों के अंदर मकान का नक्शा देने का बड़ा फैसला भी लिया गया है। पहले आवेदन करने पर ड्राइविंग लाइसेंस मिलने में कम से कम 10 दिन लगते थे, जबकि नक्शा देने की व्यवस्था लोक सेवाओं के अधिकार कानून में शामिल नहीं थी। टॉपर घोटाले के मुख्य आरोपित अमित कुमार उर्फ बच्चा राय को पटना के PMLA कोर्ट ने मंगलवार को राहत दी। बच्चा राय के आवेदन और ED वकील के विरोध आवेदन पर सुनवाई करने के बाद PMLA कोर्ट के विशेष न्यायाधीश रुद्र प्रकाश मिश्रा ने बच्चा राय को इलाज के लिए 1 महीने का समय दिया है। इससे पहले भी विशेष कोर्ट ने 10 दिन का समय दिया था। बच्चा राय का दिल्ली में इलाज चल रहा है और उनका ऑपरेशन होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने राय को ED के दर्ज मामले में अग्रिम जमानत नहीं दी और आरोपित को 2 सप्ताह में सरेंडर कर नियमित जमानत का निर्देश दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट बिहार तक।